हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब, कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी आज हम आए हुए हैं कहीं घूमने। एक्चुअली मैं जगह डिसाइड नहीं हो रही, वैसे अभी हम आए हुए हैं कन्ना घाटी, देखते हैं। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं है, इस चक्कर में हो सकता है वापस चले भी जाएँ और हो सकता है कि रुक भी जाएँ, देखते हैं। और आज हम दो ही आए हैं, कोई नहीं हमारे साथ में, बहुत सैड। तो हम आ चुके हैं कनक वृंदावन, और इसको कनक घाटी के अलावा कनक वृंदावन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वृंदावन, कनक वृंदावन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कृष्ण जी, जो मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर था, वो यहाँ पर आया जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर। तो इस वजह से इसको पूरा ही वृंदावन जैसा बनाया गया है, और वृंदावन जैसी ही फीलिंग आती अगर इस गार्डन में आओ, बहुत प्यारा अलग ही फील आ जाता है। और मेरी कृष्ण जी की कनक वृंदावन आमेर और नारगढ़ के बीच की चढ़ाई में आता है ये, और ये बहुत ही प्यारा वो है गार्डन उधर। और अभी हम यहाँ पे घूमते हैं, मैं आपको हर एक एक चीज़ बताती हूँ इस चीज़ की। यहाँ बहुत ही प्यारा गार्डन है, और अभी यहाँ पे बहुत सारे जने आए हुए हैं और हम दो ही आए हैं, हमारे साथ आज कोई नहीं आया। सो अलोन इन्जॉय करते हैं, चल रही है पिकनिक बच्चों की। अब हम जा रहे हैं आगे, जगह देख रहे हैं, रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं थोड़ी सी देर, और अभी खा रहे हैं चिप्स। आई लव यू अंकल चिप्स। इसमें मेरे लिप्स तो बोल ही नहीं रहे। हाय अब यहाँ पे गोपियाँ स्नान करती थी, और वो बैठे कृष्ण जी गोपियों को देख रहे हैं नृत्य स्नान जो भी करते हो। समझ रहे हो? मुझे भी आइडिया नहीं है, वैसे स्नान कर रही है यार। ये देख चुके हैं, और अब चलते हैं आगे, चलो। ये चल रहा है झरना, और ये जो पानी है वो वहीं जा रहा है जहाँ गोपियाँ स्नान कर रही थी। मैं कहते जाऊ मेरी चप्पल की लियो, मन कर रहा है नहा लूं। झरना देख लिया, बहुत ठंडा ठंडा पानी, तो अच्छा कर रही थी नहा लूं। और ये रहा ब्रिज, चलो ब्रिज। होती ये कौन से जंगल में आ गए। ये चल रहा है नृत्य, और ये राधा कृष्ण का नृत्य चल रहा है। वो ये रहते कृष्ण जी, और तो ये गोपियाँ वगैरह है ना। हाँ ये गोपियाँ वगैरह है, नृत्य कर रही है। मैं भी नृत्य कर लेती हूँ। अभी हम जा रहे हैं एक और जगह जो छोड़ गए थे, जगह ढूंढते ढूंढते कुछ मिला। मैं थक चुकी इसलिए मैं बैठ गई, और मेरी फ्रेंड गई है आगे वो देखने की क्या है। और ये है रास्ता, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ, मिल गया क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने कहा था कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, फालतू गए तुम। ये है पुराना गेट जहाँ पहले एंट्री होती थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ओपन हुआ है या फिर कुछ, ये पुराना गेट इसलिए था, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्योंकि 275 ईयर्स हो गए इस गार्डन को। ये इसलिए ओपन हुआ था कि यहाँ पे
वृंदावन से किशन जी आई मीन गोविंद देव जी जयपुर में आए थे इस वजह से। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ गोविंद देव जी का मंदिर। अभी पहले हम उसके इस पिक्चर के अकॉर्डिंग तो मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर थोड़ा बहुत पता है कि कंस ने बकरा सूर यानी कि ये डक को भेजा था श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, और मेरे को और स्टोरी पता नहीं है बट इसके अकॉर्डिंग मुझे इतना ही पता है। मैं बता नहीं पा रही ढंग से कि ये क्या चीज़ है क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। बस ये स्टोरी पूछूंगी घर पे जाके कि क्या है क्या नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में से गई मुझे वो प्लेस जहाँ पे मेरे को जाना था कन्ना घाटी में, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे बचपन में आई थी ना तब बड़ी मस्ती करके गए थे, कजन्स वगैरह सभी आए थे। तो अभी भी मैं मस्ती करूँगी, अभी भी मैं बच्ची हूँ बड़ी नहीं हुई। कम ऑन, पहुँच गई मैं यहाँ पर और चलो चलो। वो हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय कर लिया बहुत देर तक। और एक और चीज दिखी सी, हम जा रहे हैं नीचे, मैं भी आई हूँ। और यार धूप पे फेस देख तो अजीब सा लग रहा है, ग्लो मार रहे हो, ग्लो बहुत ही ज्यादा साउंड। और वहाँ पे मस्ती वस्ती कर ली मैंने, दिखाया आपको। और अब हम लोग जा रहे हैं, आई मीन हम दोनों, वो मेरे से आगे जा रही है। वो ये गार्डन प्लेस बहुत अच्छी दिखने में तो है क्या, ये झूले झूले झूले, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं खा रही। ये फोटो का सही के मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है बहुत। यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है और अब हम निकलेंगे बाहर क्योंकि और कुछ भी नहीं है सामने। इधर कैंटीन भी है, अगर बाहर से आप लोग कुछ नहीं ला पाते तो इधर कैंटीन में से ले सकते हो। मुझे साउंड सुन के बड़ा मजा आ रहा है। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, फोटो में जमा करा देते हैं। दीदी की बात दादी को फर्श हो गया ना, किराएदार के भी अधिकार पर्ची जो तो ना घाटी में आ गए तो अधिकारी कब तक। ये बाहर का है This is very unique. ये बंदी नहीं, इसके पीछे जो है वो लास्ट में आ रही है ब्लॉग में। तो फेस वॉश हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।